सैटरडे और दोपहर का टाइम हो रहा है। अपने कपड़े जो है आधा तो मेरे सूख गए, तो कपड़े जो है मैं उठा दी थी, ज़्यादा कपड़े जो है मैं उठा देती हूँ। कभी बारिश जो है स्टार्ट हो गया है उस वाले बालकनी में ना, बारिश स्टार्ट हो गया है इस वाले बालकनी में भी, मतलब इधर उधर का पानी है। चलिए मैं अभी दिखाती हूँ बालकनी में, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गया है और पूरा अंधेरा अंधेरा कर दिया है। पंखा का भी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, उतना गर्मी भी नहीं लग रहा है। ये देखिए बारिश आ रहा है। तो अभी हमने लंच वगैरह कर लिया है और जा रही मैं अभी बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोना मुझे, ये वाला दरवाज़ा अभी मैं कर देती हूँ बंद, क्योंकि हवा आ रहा है। और बिल्कुल ठंडा मौसम किया हुआ है, बिल्कुल ठंडा। और डुग्गू का अभी तक ना होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पता नहीं होमवर्क बनाने में इतना लेट क्यों लगाता है। क्यों नहीं बोले तुम? होमवर्क बनाता ही नहीं तो क्यों नहीं बोले बताओ? हैं क्यों बारिश आ रहा है तो ट्यूशन नहीं जाएगा? तो बारिश अभी स्टार्ट हो गया है, तो अभी बादल भी गरज रहा है, बिजली भी कड़क रहा है। बिजली नहीं, कड़क बिजली, कड़क बिजली। चलो आ जाओ अंदर आ जाओ। सभी आप देख सकते हैं इतना तेज हवा चल रहा है ना, इतना तेज। और सारे खिड़की दरवाजे जो है हमने बंद कर दिया है, बस यही वाला जो है अभी बाकी है। सारे गत्ते वगैरह यहाँ पे, बहुत तेज हवा चल रहा है। और गोलू का ट्यूशन के आने का टाइम हो गया है, तभी उसको ना फ़ोन करके मना कर देंगे, थोड़ी देर जो है बाद आएगा, क्योंकि हवा बहुत चल रहा है। माय गॉड। तो यहाँ पे अभी हवा आंधी जो है ख़त्म हो गया था, अब जो है पूरा घर की बारी आ जाती है, सफाई करने की बारी। और यहाँ पे डुग्गू जो है खेल रहा है, और पूरा इतना तेज हवा आंधी आ रहा था ना, मतलब लग रहा था बालकनी में जैसे खड़े हो रहे थे ना, लग रहा है हिल रहा है इस तरीके से लग रहा था। तो ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ। और अभी पूरा धूल मिट्टी से पूरा घर जो है, सारे खिड़की दरवाजे तो मैंने बंद कर दिए थे, फिर भी धूल वगैरह ना उड़ के आ ही गए थे थोड़ा बहुत। तो अभी मैं शाम का झाड़ू भी लगा देती हूँ थोड़ी देर बाद। और उसके बाद जो है यहाँ पे इस वाले बालकनी से ना इतना तेज इधर से खुला रहता है ना, बहुत ठंडा ठंडा हवा लगता है और बहुत ज़ोर से हवा आता है। तो बहुत सारे धूल वगैरह जो है फ्रिज के यहाँ पे अंदर तक घुस गया था। तो यही सब जो है अभी मैं सही से झाड़ू लगा देती हूँ। और ये वाला जो मेरा ब्लॉग है ना, ये 3 दिन का है, तो थोड़े थोड़े क्लिप जो है मैंने शूट किया था, ज़्यादा ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था दिन भर का। तो ये देखिए अभी यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई छत पे, सारा काम वगैरह अपना करके शाम का। और अभी डुग्गू मनीषा गए ट्यूशन, अभी वो लोग जो है ट्यूशन से नहीं आए। और यहाँ पे ये देखिए बच्चे कैसे खेल रहे हैं, ये टूटा हुआ खटिया है उसी के अंदर घुस के खेल रहे हैं। क्या खेल रहे तुम लोग? बर्तन से हम लोग की बेइज्जती आप करवा रही हैं। नहीं नहीं, इसमें बेइज्जती की क्या बात है, बेइज्जती हो रहा है। नहीं बेइज्जती नहीं हो रहा है। तुम क्या कर रहे थे? खेल रहा हूँ मैं भी। ये भी कारागरी कर रहा है। चलो बिल्कुल मत दिखाइएगा। नहीं चलो तुम लोग खेलो, डिस्टर्ब नहीं करते। तभी मैं जा रही थोड़ा सा नीचे, मनीषा को देखती हूँ, आ रही होगी तो आधे रास्ते तक जो है मैं जाऊँगी। यहाँ पे अभी जो है शाम का टाइम हो रहा था और ये आ गए थे, और ये लाए थे अभी बच्चों के लिए गोलगप्पा, क्योंकि कभी ना, मतलब जब भी ये काम से आते हैं ना शाम के टाइम, कभी कुछ ना कुछ बच्चों के लिए जो है उधर से ले ही आते हैं। तो ये आज लाए थे गोलगप्पा, तो ये अभी जो है बच्चे खा रहे थे। तो मैं इनको जो है अभी गोलगप्पे में आलू और पानी जो है डाल के दे रही थी, नहीं तो ये सब क्या करते हैं ना, एक ही साथ खाते हैं तो फिर ये मतलब लड़ाई करने लग जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं तुम लोग को पहले देती हूँ, तुम लोग पहले खा लो, उसके बाद जो है
मतलब ऐसे जो है लड़ाई नहीं होता है। तो ये देखिए अभी ये भी खा लेते हैं एक ठो, मैं भी खा लेती हूँ। और अभी मैं बना रही थी मैगी, और मैगी अभी खाने का मन कर रहा था बच्चों का थोड़ा सा, तो अभी मैं मैगी बना रही थी क्योंकि एक मैगी रखा हुआ था उसी का मैं अभी प्याज मिर्ची वगैरह डाल के जो है टमाटर वगैरह डाल के अभी मैं बना देती हूँ सिंपल तरीके से। और अभी ये देखिए मैगी भी बन गया है और अच्छा लगता है प्याज वगैरह मिर्ची डाल के ना थोड़ा सा इस तरीके से डाल के बनाओ तो अच्छा लगता है मैगी। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं थोड़ी देर बाद मिल रही हूँ और आज ना मौसम बहुत अच्छा किया हुआ है। तो यहीं पे सामने जो है पार्क है, तो वहीं पे हम लोग जो है जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने क्योंकि शाम को लग रहा है बारिश आएगा, तो उससे पहले हम लोग सोच रहे हैं जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग को भी लेके चलते हैं। क्या हुआ? तुम भी जाएगा? तुम घर पर रहना। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे जहाँ मैं स्कूटी सीखी थी ना, वहीं पे जो है अभी मनीषा को भी लेके आए हैं ये, और अभी मनीषा को सिखा रहे हैं। तो ये एक दो बार पहले ट्राई की थी फिर ना छोड़ दिया अचानक, फिर से अभी जो है सीखेगी और सीखना चाहिए। वैसे कभी ना कभी, अभी तो चलाएगी नहीं पर कभी ना कभी जो है काम आ ही जाता है। और साथ ही साथ गोलू भी आया है अपने साइकिल में, डुग्गू भी आया है, सभी लोग आए हैं। तो अभी मनीषा चला रही थी स्कूटी, तो मुझे भी एक बार मन कर रहा था चलाने के लिए, तो मैं भी एक राउंड जो है चला लेती हूँ। और भीड़ भड़ाका मैं ना बहुत कम चलाती हूँ, और मनीषा भी चला मतलब चलाती तो नहीं है, कम चलाती है थोड़ा बहुत। अभी साइकिल जो है इसको बोले हैं कि साइकिल भी चला लेती है, मतलब थोड़ा थोड़ा जो है पूरे अच्छी तरह से साइकिल भी चलाना नहीं आता है। तो हमने कहा कि नहीं, गोलू सीख गया है तो मनीषा को भी सीखना चाहिए, ठीक रहेगा। मतलब कभी कहीं अगर मार्केट वगैरह कहीं जाती है आसपास में तो खुद से आप अपने से चला के जो है जा सकती है। तो ये देखिए, और जब से मैंने लिया था ना स्कूटी तब से मैं एक बार भी स्कूटी चलाते हुए शेयर नहीं की थी आप लोगों के साथ। तो ये देखिए मैं चला लेती हूँ, भीड़ भड़ाका में कम चलाती हूँ। तो बस अभी हम लोग जाते हैं थोड़ी देर बाद जो है घर। अभी जो है हम लोग का हो गया है, मनीषा तो स्कूटी चलाना मतलब नहीं चला पा रही है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, साइकिल जो है चला लेती है और मैं तो चला लेती हूँ पर भीड़ भड़ाका में उतना ज़्यादा जो है नहीं चलाती हूँ स्कूटी। चलो तो ये सीधा जाएगा कि मैं रोड पे तो जा रहा है, मारा क्या जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, चल बैठ तुम बैठ। और हमने सोचा था ना उधर, मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं तो लगभग अभी 4 बजे के करीब हम लोग गए थे, तो सोचे थे कि शाम के टाइम जो है बारिश आएगा पर बारिश नहीं आएगा, फिर थोड़ी देर बाद जो है धूप निकल गया था। तो उधर से आते आते अभी हम लोग आइसक्रीम ले आए थे, तो अभी आइसक्रीम जो है खा रहे हैं। और सच में आजकल इतना ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अभी जो है बना रही है बर्फ़ का गोला बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मनीषा जो है सबसे पहले इसमें चीनी और पहले पानी डाल दिए, चीनी डाल दिए इसमें, अभी ये जो है चाशनी बनेगा ये देखिए, और इसको मोटा वाला चाशनी बनाना है। तो अभी इसको अच्छी तरह से जो है मिला लेना है, थोड़ी देर पका लेना है, और अभी इसको 2 कलर में बनाऊंगी। तो ये देखिए मेरा चाशनी जो है अभी थोड़ा सा मैंने ये गाढ़ा कर लिया है, अभी ये बन गया है, अब मैं इसको जो है उतार दूँगी। तो यहाँ पे अभी ये देखिए इसमें ना मैंने थोड़ा थोड़ा जो है फूड कलर लिया हुआ है, तो मैंने इसमें आधा और इसमें आधा जो है डाल देती हूँ और इसको चम्मच से अच्छी तरह से चला लेती हूँ। और हाँ इसको ना अलग अलग चम्मच से ही करना है, नहीं तो एक ही चम्मच से आप करेंगे तो फिर एक ही कलर जो है मिक्स हो सकता है। तो ये अभी ठंडा होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ, और इन गिलासों में जो है मैं बर्फ़ का गोला जमाने वाली हूँ, तो चलिए पहले मैं बर्फ़ को घिस लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे ये देखिए इस कटोरी में जो है हमने बर्फ़ जमाया था, तो इस कटोरी में और एक छोटा कटोरी है तो उसमें भी मैंने जो है बर्फ़ जमाया था। तो ये देखिए कद्दूकस से जो है ये बर्फ़ को जो है घिस लेते हैं, आप मिक्सर के जार में भी इस बर्फ़ को जो है घिस सकते हो। उसके बाद जो है अभी इसमें जितना बर्फ़ डालना है उतना डाल दूँगी। और क्या हो रहा था ना, जितना मतलब बर्फ़ जल्दी नहीं डालने से ना पिघल जा रहा था, पानी निकल जा रहा था बर्फ़ का, तो इसी वजह से अभी जो है ये देखिए बन गया था।
अभी ये गिलास में आधा मैंने बनाया था, आधा बर्फ़ डाला था आधा गिलास, तो ये जो है बन गया था। इसमें मैं कलर डाल देती हूँ और बस बर्फ़ का गोला जो है बन गया था। उसके बाद जो है यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो अभी मेरा मॉर्निंग का खाना वगैरह बन गया था, तो अभी मैं अच्छी तरह से अपने किचन को जो है साफ़ कर देती हूँ और दो चार दिन के बाद ना एक बार जो है मैं इस तरीके से सरफ से जो है अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखिए गैस के जो ये बर्नर होते हैं ना छोटे छोटे, इसमें बहुत सारे गंदे घुस जाते हैं, तो मैं इसको अभी अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। और जो यहाँ पे ये बोर्ड दिया हुआ है ना, ये लाइट का बोर्ड, तो इससे मिक्सर वगैरह चलाने के लिए दिया हुआ है, तो ये ना गलत जगह थोड़ा सा दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा अलग साइड में होता ना तो सही रहता। तो बस अभी मेरा किचन का क्लीन मैं कर ली थी, उसके बाद जो है अभी यहाँ पे मैं कर लेती हूँ अपने फेस में स्क्रब, क्योंकि मैं नहाने से पहले अपना स्क्रब करती हूँ। तो डेली तो नहीं करती हूँ, मतलब दो तीन दिन के बाद जो है एक बार करती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक इसे ज़रूर कीजिएगा।